नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई विरार में बढ़ता अनाधिकृत बांध काम, रेलवे प्रवासियों की खतरे में सुरक्षा, प्रशासन कब देगा ध्यान। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में अनाधिकृत बांध काम कोई नई बात नहीं है। महानगर पालिका के खुद अपने आंकड़ों के हिसाब से हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में अवैध बांध काम वसई विरार में खड़े हैं और रोज बर रोज धड़ल्ले से नए अनाधिकृत बांध काम जारी है। निजी मालिकाना जमीन से ज्यादा अनाधिकृत बांध काम सरकारी जमीन पर है, जिसकी जानकारी प्रशासन के हर एक तबके को है। फिर चाहे जमीन मालिक महसूल विभाग हो या वन विभाग हो या महानगर पालिका हो, इन सभी विभागों में हर रोज सैकड़ों शिकायतें मिलती है। वह हर थोड़े दिनों के अंतराल में क्षेत्र में आंदोलन उपोषण भी सामाजिक व राजनीतिक लोगों द्वारा किए जाते रहते हैं, जिसके बावजूद इन अनाधिकृत बांध काम पर अंकुश लगता दिखाई नहीं दे रहा है। अनाधिकृत बांध काम अपनी जगह पर है, लेकिन इन अनाधिकृत बांध काम की वजह से रेलवे यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा है। अब सवाल ये उठता है कि इन अनाधिकृत बांध काम की वजह से रेल यात्रियों की सुरक्षा खतरे में कैसे। तो उसका जवाब देने से पहले आपको बता दें कि वसई विरार महानगर पालिका की प्रभाग समिति सी चंदन सार व एफ के पहलार में जगह जगह पर कई अनाधिकृत बांध काम है, जिसमें फिर चाहे खैरपाड़ा में भूमाफिया प्रमोद इंगले या दूधवाला कॉम्प्लेक्स में भूमाफिया इमरान या वालियो का मशहूर भूमाफिया पिंटू आवाड या कामन का सरदार हजरत शेख आदि के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब, वहीं सफारा फाटा, पेलार पानी की टंकी के पास, उमर कंपाउंड, चिंचोड़ी फाटा, वसई फाटा, तुंगार फाटा आदि में लगातार अनधिकृत इंडस्ट्रियल गाले बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। इन इंडस्ट्रियल गालों को लेकर कोई बहुत बड़ा विज्ञापन करने की जरूरत इन भूमाफियाओं को नहीं पड़ती है और इनका यह माल आसानी से बिक जाता है। लेकिन इन्हीं इंडस्ट्रियल गालों के साथ साथ बढ़ती जनसंख्या की वजह से चौल में बन रहे सस्ते गालों की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है और चौल निर्माता भूमाफिया कोई एक दो नहीं है बल्कि सैकड़ों तथाकथित बिल्डर है जो अपने ऑफिस खोल कर बैठे हैं और चाली में बने घरों का व्यापार कर रहे हैं। वसई विरार की अनाधिकृत झुग्गी चौल में बसी बस्ती जो कि मुंबई की धारावी जितनी विस्तृत नहीं है तो धारावी से कम भी नहीं है, जिसमें मुख्य तौर पर विरार के कनेर, नालासुपारा के संतोष भवन, बिलालपाड़ा, धानी आदि कई क्षेत्र के साथ वसई पूर्व व नायगांव पूर्व में धड़ल्ले से बनने वाली रहीवासी चाल शामिल है। इन चौल को बेचने चाल माफियाओं को लुभावों ने विज्ञापन करने की जरूरत पड़ती है और ये विज्ञापन आपको वसई से लेकर अंधेरी और मुंबई व नवी मुंबई तक में कहीं भी दिखाई दे जाएंगे। जिन विज्ञापनों में काफी सस्ती दरों पर घर दिए जाने का वादा किया जाता है और मुंबई लोकल रेलवे कोच में भी इन विज्ञापनों की भरमार है। बस यही हमारी इस खबर का मुख्य मुद्दा है। ये चाल माफिया अपने अनाधिकृत बांध कामों को बेचने के लिए रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। हर रोज लाखों बल्कि करोड़ों लोग विरार और कल्याण से मुंबई का सफर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल से करते हैं और ये चाल माफिया धड़ल्ले से रेलवे कोच में अपनी चाल के स्टिकर लगाकर अपना विज्ञापन करते हैं, जो आप तस्वीर में वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक विज्ञापन आरोही इंटरप्राइजेस का तो दूसरा अवतार होम्स का और एक रोनर इंटरप्राइजेस का ऐसे अलग अलग चाल के विज्ञापन के अवैध स्टिकर लगे दिखाई दे रहे होंगे। ये विज्ञापन रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। दरअसल ये विज्ञापन नहीं होकर रेलवे विभाग की लापरवाही का एकदम साफ नमूना है। इन विज्ञापन को देखकर यह प्रतीत होता है कि यह विज्ञापन चलती ट्रेन में नहीं चिपकाए जाकर संभवतः ट्रेन जब यार्ड में पड़ी होगी तब खड़ी ट्रेन में चिपकाए गए होंगे, क्योंकि चलती ट्रेन में यात्रियों की भीड़ के बीच इस तरह से स्टिकर लगाना आसान नहीं है। ऐसे में हम यह मान सकते हैं कि यार्ड में खड़ी मुंबई लोकल ट्रेन तक आसानी से हर कोई पहुंच सकता है। तभी इन विज्ञापन के स्टिकर लगाने वालों ने भी रेलवे कोच में घुसकर अपने विज्ञापन के स्टिकर चिपकाए होंगे, क्योंकि अनाधिकृत बांध काम करने वाले चाल माफिया अपनी चाल का अधिकृत विज्ञापन तो करने से रहे। जब चाल ही अधिकृत नहीं है तो विज्ञापन कैसे अधिकृत होगा, हम यह बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब सवाल यह कि क्या इन चाल के या दूसरे और भी विज्ञापन चिपकाने के बहाने कल को कोई भी आतंकवादी या दहशतगर्दी भी इसी तरह से खड़ी ट्रेन में चढ़कर अपने गलत इरादों और मंसूबों को अंजाम दे दे तो उसका जिम्मेदार कौन। ऐसा सामान्य तौर पर देखने में यह एक छोटी सी साधारण सी बात है कि रेलवे कोच में अवैध विज्ञापन लगाए गए हैं, लेकिन अगर कभी कोई गलत इरादे रखने वाला व्यक्ति इसमें सामान्य लगने वाले मामले को दूसरे एंगल से देखकर अपनी गलत हरकत अंजाम दे जाए, क्या यह संभव नहीं है। यह मामला रेलवे सुरक्षा बल की भी बड़ी लापरवाही या जानबूझकर किए जाने वाला भ्रष्टाचार भी प्रतीत होता है।
क्योंकि अगर रेलवे अपनी व यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर होती तब इस तरह से अवैध तरीके से कोच में घुसकर विज्ञापन चिपकाने वाले लोगों को ढूंढकर उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्यवाही करती, क्योंकि आखिरकार ये मामला हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की सुरक्षा का मामला है। इससे पहले भी मुंबई लोकल प्रवासी बड़ी आतंकवादी घटना में सीरियल बम धमाके का दंश झेल चुके हैं। उम्मीद है रेलवे सुरक्षा फोर्स इस मामले को गंभीरता से लेगी और यात्रियों की सुरक्षा को कभी खतरे में नहीं आने देगी। वीडियो में अभी के लिए आज के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमें आर्थिक रूप से मदद करने के स्क्रीन पर दिखाई देने वाले गूगल पे बार कोड को स्कैन कीजिए और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।